नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महावीर कुमार, टाइल्स इंजीनियर। दोस्तों बहुत दिन से बहुत भाइयों ने कमेंट किया है कि पत्थर का वीडियो बनाए जो थापी माल होता है उसका रेशा मिला के दिखाइए। तो दोस्तों आज मैं तो टाइल्स का काम बहुत दिन से ब्रेक किया हुआ था, सॉरी मार्बल का, लेकिन अब ले चुका हूँ और आपको दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से थापी कैसे मिलाया जाता है, रेशे कैसे मिलाया जाता है थापी में। तो आप देख रहे हो तो मैंने चार पत्थर बिछाया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका रेशा आप देख रहे हो, इसका जो डिजाइन मिला है इस टाइप का मिला है प्रॉपर। तो कैसे हम लोग मिलाते हैं दोस्तों, तो थापी का जो लोड होता है आपको दिखाते हैं इधर। आप थापी का जो लोड होता है दोस्तों, ये नंबरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जहाँ माइस में जो कटता है टाइल्स थापी, वो एक चट्टान निकलता है, उसमें आरा मशीन से चिरा जाता है। तो इसमें जो रेशे होता है दोस्तों, यही डिजाइन बनता है। तो प्रॉपर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर नंबरिंग लिखा होगा, आप देख रहे हो क्या लिखा, 30, 31, 32, 33 ऐसे करके नंबर दिया जाता है ताकि इसने के लिए आपको दिखाते हैं। एक पत्थर कैसे कैसे बिछाया जाता है, एक सीरियली बाय सीरियली कहाँ पत्थर बिछाया जाता है आपको दिखाते हैं। तो सीरियल उठा के पत्थर पहले एक नंबर ये होता है, एक नंबर के बाद प्रॉपर दूसरा नंबर इधर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, एक नंबर ऐसे दहने साइड, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर ऐसे देना है आपको, चौथा नंबर ऐसे हो। एक चट्टान निकलता है, उसी को मॉडिफाई करके चीरा जाता है दोस्तों, इसी तरह का रेशा निकलता है आपका। एक चट्टान ये होगा निकला होगा, कहीं भी माइस भी निकला होगा तो एक पत्थर ऐसे निकला होगा। तो इसको क्या होगा, चार भाग में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम दिखा रहे हैं इसको, अब इसको हम रेशे को मिलाएंगे कैसे, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपको वॉच करना है दोस्तों, रेशे मिलाना सीखना है कैसे मिलाया जाता है, आपको दिखाते हैं। इसको हम थापी को बिछा के हम एक लाइन में हम इसको लाइन ड्रॉइंग से इसको सजा लेते हैं। उसके बाद मैं इसको इसको कट करेंगे, कितना कट करेंगे कि आपको प्रॉपर सट जाए, तो आपको दिखाते हैं। तो ये जो माइनस करते हैं दोस्तों, ये वाला मेरा चक्का चक्की है, तो उसको हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से दागी लूंगा, 5 इंची में दागी लेता हूँ, 1 इंची मेरा प्रॉपर कट के निकल जाएगा। उधर भी मैं 5 इंची में दागी लेता हूँ, ये मेरा 1 इंची में कट के निकल जाएगा। तो इसको हम फिर लाइन डोरी की मदद से दिखा, तो ऐसे करके हम दागी दे देते हैं दोस्तों। और एक दागी हम यहां पर देंगे, दूसरा पट्टी जो मेरा चैनल पट्टी है हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम और एक नापी कर लेंगे, इधर आप दिखाते हैं, यहाँ से मेरा चक्का दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो, तो इसको हम कितना में चक्का है, तो मेरा 7 इंची में मेरा एक परफेक्ट आ जाएगा, 7.5 में। तो 7 और 7.5 और 4, 11, 11.5 में मैं इसे दागी दूंगा, इसको उधर से भी मैं 11.5 में दागी दूंगा, प्रॉपर 11.5 में दागी दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी निशान में मारा हूँ, आपको दिखाता हूँ इधर, यहाँ भी जो निशान मारा हूँ यहाँ भी मैं 11.5 में दागी दूंगा, और इधर भी मैं 11.5 में दागी दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसको चैनल पट्टी रखेंगे तो इसको जो ये वाला वेस्टेज माल है वो कट जाएगा, आपको काट के प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे दोस्तों कैसे आपको सटा के चार पीस में एक बर्फी या एक डिजाइन बनता है, रेशा मिला के दिखाते हैं। बने रहे वीडियो में, तब तक के लिए दिखाते हैं आपको, चलिए। दोस्तों आप देख रहे हो ये वाला जो पीठ निकला हुआ है, इसको बराबर प्रॉपर तरीके से जहाँ वहाँ जितना है ये साइड में, और आप देख रहे हो वहाँ से लेके लास्ट तक वहाँ आपका जो प्रॉपर बराबर रहना चाहिए। और देख रहे हो इधर कट रहा है दोस्तों, और इधर भी दूसरा तरफ ये वाला कट चुका है इस साइड, और इस साइड गोनिया करके काटा जाता है दोस्तों, परफेक्ट इसी तरह बराबर होना चाहिए। आप देख रहे हो अब इस फल्ली को हटा देगा, यहाँ जितना बराबर है उतना आपको लास्ट में बराबर रहेगा। तो देख रहे हैं इंची टेप लेके मदद से, 5 इंची है तो यहाँ पर आपको 5 इंची
यहाँ पर भी 5 इंची है, ठीक है। तो परफेक्ट दोस्तों, ये भी यहाँ पे 5 इंची है, तो इसको सटा दिया जाएगा। थापी को सटाने के बाद दोस्तों बीच में जो गैप रहता है वो मशीन की मदद से उसको काट दिया जाएगा, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको, वीडियो में बने रहें, आपको हर चीज़ एनालिसिस करवाते हैं। You never did, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the back of the back of the mess. She's so bad at the jam, made the black off the mess. The gas in the back of the back of the mess. She's so bad at the jam, made the black off the mess. The gas in the back. तो आप देख रहे हो दोस्तों, प्रॉपर कितना अच्छा बारीकी से जॉइंट आ गया इसमें। अब इसको ठोकाया होगा, अब दिखाएंगे। इसमें भी आप मिस्त्री जो देख रहे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से इसको सटा रहा है। अब देख रहे हो ये प्रॉपर हो गया। तो आप देख रहे हो, अब ये वाला जॉइंट एक बार मारना पड़ेगा दोस्तों। ये गैप है, देख रहे हो, इसको एक बार चलाओ सुनील। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा बचा है, इसीलिए इसको मिस्त्री जी मार रहा है जॉइंट। दोस्तों आप देख रहे हो, इसमें एक बार जॉइंट चलाएगा तो प्रॉपर मेरा थापी बैठ जाएगा। तो दिखाते हैं किस टाइप का जॉइंट चलाने के बाद लगता है थापी का रेसे, फिर आपको बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको पहले दिखा लेते हैं कितना कैसा लग रहा है थापी, ठीक। दोस्तों आप देख रहे हो, पर्सनली मेरा फाइनली हो गया दोस्तों, किस टाइप का रेसा मिला। आप देख रहे हो, इसमें भी मैच कर गया मेरा रेसा, इसमें भी मैच कर गया, और टोटल में मेरा मैच कर गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इससे भी धांसू होगा और इन्फॉर्मेशन के साथ होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।